साहेबगंज जिला पंचायत बाकुडी ग्राम पत्नी बना के सुंदरू पहाड़िया को दिनांक 27/12/2016 को रात्रि के समय घर में घुसकर गोली मार के हत्या कर दी गई। वो लोग पिस्तौल हाथ में लेके घुस गया। वो लोग हम लोग दोनों आदमी देख करके हम लोग वो एक तरफ बगिया हम एक तरफ बगिया उसको पकड़ के एकदम पीठ में गोली मार दिया है। कितना आदमी था? 5 आदमी था। सुंदरू पहाड़िया की पत्नी का दावा है कि सुंदरू पहाड़िया ने अपने पत्थर खदान को पूंजीपति नंदलाल भगत को देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नंदलाल भगत द्वारा मेरे पति की हत्या कराई गई है। एक कंपनी का है, नंदा बाबू का कंपनी का दुश्मनी है और दूसरा कंपनी नहीं है। फील्ड का चलते बहुत झगड़ा हुआ है। इसको कभी धमकाया था वो कंपनी? हाँ, कंपनी वाला धमकाया है, धमकी दिया इसको। इस हत्या में 5 हत्यारे शामिल थे, जिसको पुलिस अब तक एक ही हत्यारे को पकड़ पाई है, जबकि 4 फरार हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 5, 3 बेटा है, 2 बेटी है। जब घटना हुई थी बच्चे लोग सब घर में थे? हाँ, घर में था। कौन कौन घुसा था ऐसे? वो लोग तो सब मिलके ना 5 आदमी घुस गया है, कल एक आदमी को पहचान लिया। गोली किसने चलाई थी? विजय ने चलाई थी? विजय नहीं चलाया, गोली चलाने वाला दूसरा था। उसको आप नहीं पहचान? नहीं पहचानता था। पुलिस कब आई? पुलिस उसी दिन आया है, रात को तो घटना हुआ है, वो लोग सुबह आया है बुधवार को। उसके बाद पुलिस क्या किया? क्या करेगा, वो लोग लिखा पढ़ी किया है, कौन ऐसा मरवाया है, किसका साथ दुश्मनी था। तो हम बोला नंदलाल भगत का साथ चल रहा था। हाँ, चल रहा था झगड़ा। पहले भी धमकी दिया था? पहले भी धमकी दिया है, ऐसे बोला। नंदलाल भगत कौन है? बकोड़ी का है। उसको आपने अपना खदान दिया है? हाँ, हम लोग दिए है। तो क्या झगड़ा चल रहा था? हमारा पति बोला लीज भी खत्म होने वाला है, हम नहीं देगा, नहीं चलाएगा। तो वो लोग दोबारा लीज कराना चाहते थे? हाँ, दोबारा तो यहाँ नहीं किया है, मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ की नंदलाल भगत से? पूछताछ किया होगा कि नहीं किया हमको मालूम नहीं। को लेकर कई नेता एवं समाज सेवियों ने 4/1/2017 को साहेबगंज समरणालय के समीप धरना दिया। क्या मांगे आप लोग? क्या इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, मृतक के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और मृतक के 5 बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करें और परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। और मेरे समुदाय के लोग ये चाहते हैं कि सुंदरू पहाड़िया के 4 हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए एवं सुंदरू पहाड़िया की पत्नी सोभनी पहाड़िन को मुआवजा दिलाया जाए। इसलिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं विनती करती हूँ कि साहेबगंज जिले के आरसी अधीक्षक महोदय को मोबाइल नंबर 9470591081 पर कॉल करके इस समस्या से अवगत कराएँ। मैं शिखा कुमारी पहाड़िन, जिला साहेबगंज, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।